solution. धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय आपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट 2018 पे आज बोलने का मौका दी स्वागत करता हूँ इस कदम का जो सरकार ने आज उठाया है इसको एक एक्ट के तौर पर लेकर आ रही पर मैं पूछना चाहूँगा मंत्री जी से कि क्या जरूरत पड़ी थी कि एक ऑर्डिनेंस हमें इसके लिए लाना पड़ा जब ये बिल इस सदन ने पास किया था जब सरकार ने एक उम्मीद बंधाई थी कि कहीं ना कहीं व्यवसाय को फायदा मिलेगा और इस कोड के माध्यम से बेनिफिट मिलेगा मंत्री जी कहते हैं इस बिल के माध्यम से जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो एनसीएलटी के पास जाकर अपनी अपील कर सकते हैं मंत्री जी आपका ही राज्यसभा के अंदर एक जवाब है जिसके अंदर आपने लिखा हुआ है कि 9073 केसेज एनसीएलटी के अंदर 31/1/2018 को पेंडिंग जिसके अंदर से 1630 मर्जन के हैं 2511 इंसॉल्वेंसी के हैं और 4932 केस कंपनीज एक्ट के जब आप रियल स्टेट को भी इस बिल के माध्यम से एनसीएलटी के अंदर डालने का काम करोगे तो क्या आप इस सदन को बता सकते हो कि कितने हजार केसेस और हम एनसीएलटी के अंदर डालेंगे जब एनसीएलटी की बात करते हैं तो केवल मात्र एनसीएलटी में हमारे पास 22 मेंबर हैं और 10 उसके स्पेशल कोर्ट्स हैं जब हम 10 स्पेशल कोर्ट्स की बात करते हैं और हजारों की संख्या के अंदर और नए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अपनी अपील को लेकर जाएंगे ट्रिब्यूनल में तो आप ये मानकर चलिए आज कोर्ट के अंदर तो शायद आसरा था कि 2 साल में 3 साल में इंसाफ मिल जाएगा उस रियल स्टेट जिसने अभी जगदम्बिका जी बड़ी अच्छी तरीके से बोल रहे थे कि आपने आस दिखा दी उसको जो आज ईएमआई से बैंकरप्ट होता है जब ये एनसीएलटी में मैटर्स चले गए तो उपाध्यक्ष महोदय 5-5, 7-7 साल तक आप उस प्रॉपर्टी के मालिक को उसका हक दिलाने में कामयाब नहीं रहेंगे या तो आप विश्वास दिलाइए कि आप इनकी पीठ और बनाने का काम करेंगे 10 से लेकर 100 कोर्ट्स बनाएंगे 22 मेंबर को आप 222 बनाने का काम करेंगे नहीं तो आपके इस बिल के बाद आप ये मानकर चलना कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को जो फायदा आप पहुँचाना चाह रहे हो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को नहीं मिलेगा मगर उस उद्योग के मालिक को उस कंपनी के मालिक को जरूर पहुंचाने का काम करो एक मेरी क्लेरिफिकेशन जरूर थी कि आपने इस बिल के माध्यम से फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की डेफिनेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी का मालिक जो आज ईएमआई भरता है उसको डालने का काम किया अगर मैं एक घर लेना चाहता हूँ तो क्या आप मेरे को अधिकार दिलाएंगे और क्रेडिटर्स में डालेंगे अगर क्या मेरी वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई तो क्या मेरे को अधिकार मिलेगा या क्या मैं अपना पैसा रिफंड करना चाहता हूं तो क्या मेरे को अधिकार मिलेगा मैं आग्रह करूंगा कि आप फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर अगर डालना चाहते हैं तो उन्हीं लोगों को डालिए जो लोग अपना पैसा लेना चाहते हैं ना कि उन लोगों को जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं आज लोगों ने नोएडा में गुड़गांव में एक एक दशक से पैसा दे रखा है और आज तक बिल्डिंग की शुरुआत नहीं हुई अगर आपने उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में डाल दिया तो उनका ब्याज भी गया और उनकी आय भी जाने का काम हो गया उपाध्यक्ष महोदय आज द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ आप देखो हजारों लाखों की तादाद में फ्लैट्स बन रहे हैं गुड़गांव के अंदर मगर अधिकतम कंपनीज ऐसी हैं जिन लोगों ने आम जनता का पैसा जरूर लेने का काम किया मगर अब तक पोजेशन तो बहुत दूर की बात है वहाँ फ्लैट्स बनाने का काम नहीं किया मैं धन्यवाद करूँगा मंत्री जी का जिनने 75% जो COC थी उसको कम कर 66% कम की मगर आज ज़रूरत थी अगर हम ये कदम उठा रहे थे तो 66 पे आकर क्यों रुके आप उसको 51% पे लाकर देते जो छोटे स्टेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के अंदर उनका भी अधिकार तो 51% में होना चाहिए कहीं ना कहीं आपके इस फैसले से अभी भी वो छोटा शेयर होल्डर इस पूरी मुहिम के अंदर दबेगा इसलिए मेरी यही आग्रह अपील है कि सरकार ने ज़रूर कदम उठाया मगर कुछ जल्दबाजी के अंदर कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और मैं तो खास तौर पर टर्म करूंगा उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो आज रियल स्टेट में लोगों का पैसा हड़प कर बैठे हैं और आज बिल्डिंग नहीं बना पाए उस तरफ इस तरफ की बात नहीं मेरे साथी कह रहे हैं उस तरफ बोलिए आज हरियाणा में उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और सबसे ज्यादा अगर फ्लैटों के मामले में पैसा लूटा गया है तो भारतीय जनता पार्टी की राज्य की ओन्ड स्टेट्स के अंदर लूटा गया अगर आप लोग अधिकार दिलाना चाहते हैं
तो इस सदन में विश्वास दिलाइए कि गुड़गांव के नोएडा के साथियों को उनके फ्लैटों के पैसे आप दिलाने का काम करेंगे।